हमें समझ में आ गया क्यों करना है तो फिर अगली बात का अगला क्वेश्चन प्रश्न क्या आएगा कैसे करना है और उसके बाद क्या करना है और कैसे करना है है ना अब हम राजी हो गए रेडी हो गए करने के लिए सच्ची बताना पिछले कुछ टाइम से आप लोग काम कर रहे हो तो सच में इतने विश्वास के साथ कर रहे थे देखो खुद कबूल कर रहे हैं नहीं, नहीं कर रहे थे इसीलिए मैंने भी बताया कि इस बिजनेस को करने का कर निर्णय कर तो मैं एक साल से रहा था लेकिन खोपड़ी मेरी एक साल के बाद सेट हुई है? और अब बोले एक साल लेट हो गया नहीं नहीं धन्यवाद देता हूं पांच साल बाद समझ में आता तो तो चार साल पहले सेट हो गया <laughs> जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है ना तो अभी आप बताओ आपको यहां पकड़ के ले आए और आपको समझ में आ जा रहा है बढ़िया है या आप चूक जाते हो नहीं आते और करने से वंचित रह जाते बच जाते तो बढ़िया था अब देखो बढ़िया बोलने की सिचुएशन डिपेंड करती है अब जो नहीं आए होंगे वो अपने आप को बढ़िया मान रहे होंगे वो बच गए हमारे तो बच गए <laughs> और जो आ गए हैं वो अपने आप को बढ़िया मान रहे हैं और अब बढ़िया हुआ भाई आ गए नहीं भाई साहब बहुत नुकसान हो जाता दोनों है ना कंडीशन अलग अलग है वो भी बढ़िया मान रहे हैं अपने आप को जो नहीं आए और जो आ गए हैं वो भी बढ़िया मान रहे हैं ऐसे ही मैं भी इस बिजनेस में जब मीटिंग अटेंड की मैंने एक साल के बाद 2004 में धड़ाध दो मीटिंग अटेंड की एक तो एलडीपी की रजत सर की और एक संजय जैन सर के द्वारा दिशा अटेंड की दो मीटिंग की 2004 में दोनों मीटिंग से मेरा मतलब मामला सेट हो गया और आप लोगों का भी सेट मेरे को लग रहा है हो ही जाएगा कल परसों तक तो ठीक है और नहीं होगा तो भगवान से दुआ मांगना कि जल्दी हो जाए नहीं तो अगली मीटिंग में करना पड़ेगा तो अगली मीटिंग अगर दो साल बाद दो साल बाद होगा तो अभी हो जाए तो ही बढ़िया है उतना नुकसान है अगर मेरा उस 2004 में नहीं होता और जाके 2014 में होता तो कितना नुकसान हो जाता तो जितनी जल्दी हो जाए अच्छा तो अब हमें समझ में आना है एक बात समझ में आ रही है करने का कारण हमको समझ में आ रहा है क्यों करना है अब दूसरा कारण क्या है कैसे करना है और क्या करना है इस बिजनेस में करने के लिए कि जब निश्चय कर लिया कि हमने कैसे करना है इस बिजनेस को करना ही ये हमने निश्चय कर लिया कि करना है अब है ना है कि नहीं जब करना है ये निश्चय कर लिया जैसे स्विमिंग पूल में कूदना है स्विमिंग पूल में जाना ही है तो बढ़िया कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के पूरा ही घुसे उसमें तो पूरे मजे लिए जाए है ना या ऊपर से पैर फ्चर पच्चर करके कर एह ऐसे कैसे करके टाइम जब मिला ही है स्विमिंग पूल का अगर मिले आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा तो फच्छर पच्चर करके पैर डाल के फोटो खिंचा के सेल्फी विद स्विमिंग पूल करके जाए पूरे पूरा जमाजम हो जाए उसमें तो जब मौका मिला है ये करने का पूरा जमाझम होके करें या ऊपर ही ऊपर के होके करें झमाझम करना है इसको दमदारी से है ना आवाज नहीं आई लेकिन जमाजम वाली तो कैसे करें ऐसे करें कि सफल हो ही ना दो तरह से करते हैं लोग इसको ऐसे करते मैं डेढ़ साल से सेफ सॉफ कर रहा हूं और आज वो कबूल कर रहा मैं कर ही नहीं रहा खुद ही कबूल कर रहा है मैं नहीं कर रहा था बात सही है कि नहीं सिर्फ दिखावा हो रहा था कर रहा हूं लेकिन कर नहीं रहा था तो डेढ़ साल से यानी ऐसे करें कि सफल हो ही ना मीटिंग में ढंग से नहीं जाएं, प्लान ढंग से ना दिखाएं बात ढंग से ना करें ट्रेंड करें नहीं अपने आप को फॉर्मेलिटी वाला काम चल रहा है रिपोर्टिंग है नहीं कुछ है नहीं कर लिया तो ठीक नहीं कर लिया तो ठीक दिन गिन रहे हैं महीने कट रहे हैं तो कैसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें कि सफल ही ना हो या फिर ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें कि सफल हो ही जाए दोनों तरीके हैं दोनों में अंतर है ना सो करने के लिए हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं अगर इसको करते हैं ना तो कोई रिस्क नहीं है विन विन सिचुएशन है किस बात का डर है सिचुएशन है हमारे पास में खोने के लिए यहाँ है सी ग्रेड जो मेरे को मिली थी उसकी जगह ए लगाना है है ना वो कंप्रोमाइज वाला जीवन वो वो सारी चीजें में खोया जा सकता है लेकिन पाने के लिए अथाह समुद्र है हमारे पास में है ना तो इसको करने के लिए हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें व्हाट टू डू की स्लाइड चलाई जाती है कितने लोगों ने देख रखी स्लाइड वाली ट्रेनिंग में बताते हैं कि ओनली थ्री थिंग्स गिव्स यू हंड्रेड परसेंट सक्सेस केवल तीन चीजें आपको सौ परसेंट सफलता दिला सकती हैं और याद दिलाती हैं तीन चीजों में सबसे पहली चीज क्या है हां जैसे आपने बोला वो रटा पड़ा हुआ है लेकिन अब उसको आज के बाद रटना नहीं है उसको लागू करना है नाइन्टी परसेंट एक्साइटमेंट है नाइन्टी परसेंट एक्साइटमेंट ये स्लाइड मैंने भी बहुत देख रखी थी समझ में नहीं आती थी लेकिन अरे वही रटी पिटी है वही गिनी चुनी है कुछ नहीं आता है इन लोगों को ट्रेनरों को इनको कुछ आता जाता कुछ है नहीं पिछली बार भी वो घिसम पट्टी थी इस बार भी वही है अब ये बोलेंगे टेक्निक फिर बोलेंगे फाइन ट्यूनिंग फिर बोलेंगे जिस तरह हवा नहीं हो हवा ना हो कार में ये वाला घिसा पिटा रहला आता है इनको कुछ नहीं आता इनको फिर मैं आगे आगे बोलना शुरू कर दिया ये देखो ये आएगा ट्रेनर दोस्तों

कुछ नहीं आता तुम्हारे ट्रेनरों को ये बोलते ओनली थ्री थिंग्स गिव्स यू हंड्रेड परसेंट सक्सेस अरे क्या है इसमें <laughs> पिछली बार भी यही था पिछली बार भी यही था इस बार भी यही है और अगले सात सौ साल तक यही रहेगा थ्री थिंग्स गिव्स यू हंड्रेड परसेंट सक्सेस अरे कुछ ढंग की कहानी सुनाओ कुछ तैयारी करके आओ आपके ट्रेनर तैयारी करके आते नहीं है ढंग से बोलना आता नहीं है टाई टेड़ी लगाते हैं और बार बार उनको स्टाइल मारने के लिए पानी चाहिए और दिन में और खुद तो बजाती नहीं ताली जो ताली होनी चाहिए दोस्तों ताली कम पड़ रही है दोस्तों जब ताली इस नाम पर जोरदार तालियां होनी चाहिए ताली, ताली ताली बोलता रहता है कुछ बजाता नहीं है हमारे हाथ लाल हो जाते हैं और बोलेगा नाइनटी एक्साइटमेंट एट टेक्निक और दो परसेंट फाइन टीवनिंग अरे होगा क्या इससे तो उन्होंने मेरे को फिर काम की एक बात बताई फिर मेरे कल में घुस गई वो वाली बात बताऊं कौन सी बात उन्होंने बताई जिससे मेरा माइंड फिर सेट हो गया मेरा इसका मतलब सेट नहीं मेरा दिमाग तो उन्होंने बोला माधव जी कि आपको पिछली बार भी ही बताया और और क्या और सबसे पहले तो आप ही ने बताया था <laughs> आप ही की ट्रेनिंग ओम प्रकाश जी ट्रेनिंग ब्रगा करी सबसे पहले मैं आप ही, ही बोल रहे थे तो अरे इनको बोलो कि किताब पढ़ के कोई नई चीज बताया करें तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को घेरा बोला आप टीचर हो मैंने हाँ तो कौन सी क्लास की क्लास टीचर हो टेंथ को पढ़ाते हैं ऐसे चौड़ा हो गए बोला नाइन टेंथ वालों को पढ़ा देते हैं कुछ इंटर वालों को भी पकड़ लेते हैं अच्छा तो नाइन्थ में जो किताब पढ़ाते हो इस बार जो पढ़ाते हो पिछली साल नाइन्थ में वही सिलेबस था या दूसरा था अरे वही था <laughs> अगली बार नाइन्थ आएगी उसका सिलेबस चेंज हो जाएगा या वही वही रहेगा इसीलिए तो हमको आसान रहता है हर बार किताब आएंगी नई नई बदल के तो हम कहाँ पढ़ा पाएंगे हमारे पसीने छूट जाएंगे हमारे को सेम रटापेटा का मामला है कच्चा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सब फिक्स है बार बार नहीं पढ़ना सब रटापेटा पढ़ा हुआ कौन सा फॉर्मूला कहा लगाना है सब कहानी सब याद पड़ी है हिंदी बिंदी की सब कुछ नहीं जाओ रट्टा मार के पढ़ा के आ जाओ कुछ नहीं तैयारी करनी पड़ती है बोला अगर हर बार बदल जाए हर बार बदल जाएगा तो बाहर मामला खराब हो जाएगा अब आ जाओ लाइन में अब लाइन बहुत तगड़े रहते हैं ऐसे घेरते हैं ना चारों खाने चित करते हैं तो उन्होंने बोला कि सेम सेम सिलेबस होना बढ़िया है कि खराब है बढ़िया है भाई बच्चे के लिए तो नया ही है ना हमारे लिए तो सेम है तो हमारे लिए आसान है पढ़ाना तो बोले अगर इसमें हर बार सेम बातें बताई जा रही हैं इसका मतलब वही फिक्स उतना ही काम करना है अगर हर बार नया बताया जाए तो आपको हर हफ्ते सब काम नए करते रहने पड़ेंगे बार 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 कितना सीखोगे बोला तो हमने ऐसे तो सोचा ही नहीं क्योंकि ये पढ़ाने के लिए नहीं बताया जाता यहां पर काम करने के लिए बताया जाता है इतना करना है मैं ऐसे तो सोचा ही नहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके से बढ़िया ही है पिछली बार भी वही इस बार भी वही वही कुछ नहीं करना गिना चुना सिलेबस है उतना ही करना है जी तो बढ़िया है तो फिर अगली ट्रेनिंग में नया बताएगा जी मैं यही बताओ बिल्कुल कोई जरूरत तो नहीं और बताने की अपने समझ में आ गया यही बताना है कुछ नहीं बताना तो बोले माधव जी अब आपको ये तीन चीजें ना आज के बाद करनी है अच्छा करनी पड़ती हैं बोला ठीक है तो 90 परसेंट जोश में रहना है इस बिजनेस की सफलता एक्सपर्ट ये बताते हैं ये बिजनेस 90 परसेंट तो जोश पे आधारित है ऐसे बोला कुछ नहीं है सबको यही बताना है और आठ परसेंट टेक्निक है आपको क्या लग रहा है एल में आएंगे तो नई स्लाइड चलेगी चलेगी जई चाहे पैसा खर्च कर लो पचास हजार पचास हजार वाली जो आएगी एडवांस उसमें भी जई स्लाइड रहेगी क्योंकि जई स्लाइड चलाने से तनख्वाह आ रही है तो सर पागल है कि नहीं लगाए हम आ रही नहीं आ रही बात अब आप बताओ आपके लिए भी बढ़िया है आपको भी यही चलानी है जीवन भर लपड़ा ही नहीं कोई हेलो तो अब ट्रेनिंग में अगर ये स्लाइड देखने के लिए मिले तो उस गाली मत देना उसको उसको सावासी बोलना बहुत मालूम है तुम जो बता रहे हो ना तुमको भी नहीं मालूम है क्यों बता रहे हो लेकिन सही बता रहे हो सही जा रहे हो जाओ बोलते रहो बताते रहो यही है और कुछ नहीं है पहले तो ये समझ में आया नाइन्टी परसेंट एक्साइटमेंट 8 परसेंट टेक्निक तो 8 परसेंट टेक्निक का मतलब इस बिजनेस की बारीकियों को भी समझना है हमें बिल्कुल एकदम मंद राम नहीं रहना थोड़ा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है हर चीज में मुझे नहीं आता हमें नहीं आता हमें नहीं आता नए नए हम तो नए हैं हम तो नए हैं ऐसे करते रहते हैं ऐसे नहीं चलेगा नाड़ी पन नहीं चाहिए आप पढ़े लिखे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस बिजनेस के लिए आप तैयार नहीं है पहले से कोई बात नहीं है लेकिन तैयार होते रहना पड़ेगा तैयार होना है डॉक्टर भी अपने आप को बोलता है प्रैक्टिस कर रहा हूं दस साल से और हर बार नया मरी जाता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करना यह गोली नहीं तो यह तीन दिन की लिखता है तीन दिन बाद चेक कराना यह वाली गोली काम नहीं कर अगली लिखूंगा और वो भी ना करेगी तो अगला इंजेक्शन दूंगा तेरे को तब तक देता ही रहूंगा जब तक गोली फिट ना बैठ जाए डॉक्टर यही तो बोलता है अरे कोई तो फिट बैठेगी इसलिए बोलते प्रैक्टिस और हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं हर बार नया से पाला पढ़ना है तो नए से पाला पढ़ना है तो उसके लिए हमें ये टेक्निक्स का जो जो भी चीज़ें हैं ये हमें सीखनी है तैयार करना अपने आप को क्यों बोले हम पे नहीं आता मेल नहीं आता कोई बात नहीं फिर ये मत बोलना कि हम पे नहीं है इतना बड़ा लॉकर कहाँ रखा रखेंगे ज्वेलरी को बहुत लप्प से ले लोगे लॉकर तो ले, ले लेंगे अरे लाकर ले लोगे तो ये भी लेना है है ना सीखना है ईमेल आईडी जीवन में एक ही बार बनानी है बनवा लो किसी से सीख लो क्या दिक्कत है इंटरनेट चलाना है वेबसाइट खोलनी है कई लोग आया राम गया राम ऐसे रहते हैं उनको काम करते डेढ़ साल हो गया वो लोग आई डी नहीं खोलते आज तक हाँ ऐसा ना करो खुद ही खोलो बोलो बहुत टफ है टफ पैसे कमाना भी टफ है गड्डियाँ संभालना भी टफ है अकाउंट में दो दो लाख के ट्रांजेक्शन भी मतलब हर आदमी को हार्ट टैक आ हा जाएगा नॉर्मल को तो जब एक ट्रांसफर होगा तो है ना क्योंकि दुख से ही हार्ट अटैक नहीं आता खुशी से भी आ जाता है <laughs> तो उसके लिए थोड़ा मजबूती करनी पड़ेगी इसलिए ये ये तैयार करना अपने आप को कोई ये नहीं बोलेगा मैं नया हूं मैं नया हूं उसको तीन महीना हो गया काम करते करते अभी भी नया कह रहा है <laughs> मैं नया हूं तीन दिन में पुराना हो जाता है भाई आदमी तो तो ऐसे नहीं बोलना और फिर अगला है फाइन ट्यूनिंग ये पूरा बिजनेस बस इन तीन चीजों पर दारोमदार करता है इन्हीं तीन चीजों पर और ये तीन चीजों में सबसे पहला क्या है 90% परसेंट एक्साइटमेंट है अब एक्साइटमेंट का मतलब क्या समझे हम एक्साइटमेंट क्या है एक्साइटमेंट का मतलब क्या है जोश का मतलब क्या है हर समय तैयार रहने का भी मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा हमें इस बिजनेस को एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि अभी लड़का एग्जाम दे के आया और दे के आने के बाद में वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है अभी नौकरी लगी नहीं तनख्वाह मिली नहीं कुर्सी मिली नहीं कुछ ना मिला फिर भी फटा जा रहा है सपनों में उसको वही कुर्सी दिखाई दे रही है सपनों में सब कुछ दिखाई दे रहा है उसको लगा कि वो लेखपाल बन गया तो तो सपनों में लेखपालगिरी चल रही है उसकी धुआंधार जोश में है कि नहीं तनख्वाह आएगी फिर ये होगा फिर ये करेंगे फुल जोश में है कि नहीं उसको कोई नेगेटिव कर सकता है नेगेटिव नहीं कर सकता कार्ड प्रिंट हो गए शादी के अभी से वो बगीचों में घूम रहे हैं गुलाब में दोनों ना मेहंदी लगी ना हल्दी लगी अभी कार्ड प्रिंट हुआ है फुल जो उसमें <laughs> कोई निगेटिव कर सकता है इनको तो फिर हम क्यों नहीं बगीचों में घूम सकते हमको भी तो ये सब मिलने वाला है कुछ दिन में नहीं मिलने वाला लेकिन हमको तुरंत निगेटिव कर देता कोई बात अरे तुरंत नेगेटिव हो जाते नेगेटिव ठीक है हम ज्यादा वो हैं कौन है मुखिया ये सब मिलने वाला जगवार आपके घर में खड़ी होगी शानदार घर पाँच सौ गज में हजार गज में आठ सौ गज में जितने में आपको जमता हो उतना उतने गज बढ़िया मान सम्मान टीम ट्रॉफी सब कुछ तो क्राउन ये ये आपको नहीं लग ये ऐसे आने वाला है दो साल में तीन साल में चार साल में पाँच साल में तो अगर इसको हटा दो सेब सॉप को फिर नौकरी को लोगों मैं मास्टर जी ये असिस्टेंट टी टीचर फलाना सिंह माधव सिंह तो ये की स्लाइड मेरे जीवन में कह आएगी वहां से हेड टीचर होके भी तो ये एक्साइटमेंट के लिए काफी नहीं है क्या ये ही अपने आप में जोश के लिए काफ़ी है ये मैं देखूँ बार बार चूमू इसको तो यही देखने से जोश में आएगा आऊंगा मैं और इसके लिए मैं फाड़ दूंगा सबको देखे कौन आता है मेरे सामने बिजनेस को करने के लिए की बात कि सर ने बोला था कि भी परेशानी आ जाए कितनी भी अचीवमेंट है, है।, है ना कभी नेगेटिव बात की हमेशा जोश में हर मीटिंग में रहना सब काम करना और फुल सिस्टम पे रहना अपलाइन के वफादार रहना लगे रहना और सक्सेस नहीं मिल रही उसके बावजूद भी ना चेक है ना पैसा है ना कुछ है लेकिन जोश सामने वाले को हिला के रख दे पूरी तरीके से तो मतलब फुल कॉन्फिडेंस में फुल तैयारी के साथ में सामने वाले को फेस करना है और क्योंकि जो सिचुएशन हमारी आज की है वो तो टेम्परेरी है ना बदल जाएगी कोई रात की वजह से बोले नहीं रात अंधकार है पूरी दुनिया में नहीं नहीं, नहीं। रात कुछ ही घंटे की आठ घंटे की है सुबह सूर्य के दर्शन फिर होंगे वो टेम्परेरी है सब चीजें जीवन भर का अंधकार नहीं है और जीवन भर का अंधकार नहीं है तो अगर आपने ये सब चीज़ें की तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी गाड़ी का पूजन कर सकते हैं आवाज़ तो, तो बढ़ाओ। तो जो है पूरा का पूरा किस पर आधारित है एक्साइटमेंट पर आधारित है और एक्साइटमेंट के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे मैं देखता हूँ शुरुआत से इस जोड़ी को नितिन जी की ओम प्रकाश जी की जोड़ी को शुरुआत से नोटिस करते हैं तो ये लोग काम करते थे और काम करने के बाद डे वन से जितने भी हम इनको जानते हैं वो क्लोज नज़दीक से तो जसवीर जी ज़्यादा जानते हैं लेकिन जितना भी मैंने जसवीर जी के माध्यम से इनके बारे में सुना आज तक इन्होंने कोई किसी भी चीज़ को लेकर के चाहे कुछ भी हो गया हो लेकिन कभी कोई किसी चीज़ को लेकर कंप्लेनिंग इनका एटीट्यूड नहीं आज तक किसी चीज़ को लेकर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए कभी कंप्लेंट नहीं किया और हमेशा सिस्टम को लेकर अप्लाय को लेकर हमेशा इनका क्लियर कट मामला रहता है कि हमें अपलायनों की धरोहर बनना है है ना और जब से इन्होंने जिम्मेदारी ली पूरी टीम की ज़िम्मेदारी लेते हैं कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते कभी शिकायत नहीं करते बहुत ही सच्चे लीडर हैं बहुत ही ओनार लीडर हैं और डे वन से बहुत सारे लोग थे किसी ने कभी इनका टारगेट जीता कभी नहीं जीता कभी स्टार परफॉर्मर बने कभी नहीं बने कभी मंच पे नाम आया कभी नहीं आया कभी मीटिंग में इनको बुलाया कभी नहीं बुलाया लेकिन किसी कि भी चीज़ को लेकर इन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई कंप्लेंट नहीं की हमेशा फुल जोश में रहे और ऐसे लीडर मतलब मैं बताता हूँ कि शायद हजारों में लाखों में कोई एक होता होगा जो इनकी जोड़ी है और ये आज जो कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है ये जोड़ी की वजह से देखने के लिए मिल रहा है नितिन जी की और ओम प्रकाश जी की जोड़ी बहुत दमदार जोड़ी है फुल जोश में रहते हैं फुल दमदारी के साथ रहते हैं इसी तरह से काम करना है कोई बोले कि आप हमें कैसे काम करना है तो बस ये जैसे ये दोनों करते हैं ऐसे ही करना है बस सिंपल सा तरीका एक ही है जैसे ये करना है वैसे ही करना है शाबाश बहुत बढ़िया प्राउड ऑफ यू शाबाश Man.